नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपने चैनल एसके प्लम्बिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक प्लम्बिंग का नया वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह गैब्रिट कंपनी का कंसील फ्लश टैंक का यह प्लेट है। दोस्तों, यहाँ पे गैब्रिट फ्लश टैंक लगा हुआ है कंसील, तो ये इसका प्लेट है। तो दोस्तों, इसमें यह रिक्वायर है कि इसमें जो पानी है वह बहुत ही स्लोली भरता है, बहुत ही कम प्रेशर से इस फ्लश टैंक में पानी भरता है औरों के मुताबिक। तो दोस्तों, हम इसको आज चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से इस फ्लश टैंक में पानी जो है बहुत स्लोली स्टोर हो रहा है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कचरा आया होगा, तो इसको हम खोल के चेक करते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों के बीच में बहुत सारा वीडियो लाता रहूंगा और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, किस वजह से इसमें पानी स्लो भर रहा है। तो दोस्तों, इसको खोलने का तरीका आपको दिखाता हूँ। यह गैब्रिट फ्लश टैंक जो है उसका अपर प्लेट कैसे खोलते हैं, तो अब आपको इसको वन बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है प्लेट का स्क्रू जो है वो खोल के लेंगे। तो ये जो है नीचे आपको देख रहे हैं, ये जब आप बटन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जब आप बटन ये प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, तो ये बटन जो है फेंक देता है बाहर। उसके बाद आपको इसके अंदर जो है ये स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इसको खोल के ले लेना है, उसके बाद आपका प्लेट बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम स्क्रू खोल के ले लेंगे। सेम इस साइड भी वैसा स्क्रू दिया हुआ, उसको भी हम खोल के ले लेंगे। तो जब आप दोनों स्क्रू खोल देंगे, ये इस तरह का स्क्रू है, जब आप दोनों स्क्रू खोल देंगे तो ये प्लेट पूरा आपका ऐसे बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों, सब पार्ट इसका खोल लेंगे, बाकी अंदर का पार्ट इस तरह से निकलता है इसका। तो दोस्तों, इसका जो रिक्वायरमेंट है, फ्लश टैंक में पानी बहुत स्लो भरता है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सब लॉकिंग सिस्टम है, अंदर तक खाली एक हाथ जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम है, बाहर निकालने के बाद दिखाता हूँ। ये जो है यह बॉल कॉक है दोस्तों, इससे ही पानी जो है आपका, जब आपका लेवल यहाँ तक आ जाता है तो ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो है ये लॉकिंग सिस्टम है, ये वहाँ पे ऐसे पुश कर देते हैं तो लॉक हो जाता है, और बाकी इसको निकालने के लिए इसको ऐसे उठा के आपको करना पड़ता है, ये इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये लॉकिंग सिस्टम होता है और इस तरह से ये बंद होता है। तो इसको खोलने के लिए ऐसे ऊपर उठा देना। तो दोस्तों, हम निकाल दिए, अब इसके अंदर देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो वहाँ पे अंदर आपको एक वाल दिखाई दे रहा होगा, जितना दिखा सकता हूँ उतना आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल, नीला कलर का वाल है, उसको हम खोल के आपको चेक करके दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो इसको हमने, तो ये जो वाल था दोस्तों, इसके अंदर यह जो वाल आपको दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा हाफ खुला हुआ था, जिसके कारण यह पानी जो है बहुत स्लोली आ रहा था। तो हम यह वाल को पूरा खोल देंगे, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है यह वाल बंद है, तो ये अभी बंद है, इसको हम पूरा ऑन कर देंगे तो इसमें फुल फोर्स से पानी आएगा। दोस्तों, अभी हम वाल इसका चालू करके उसका फिटिंग करते हैं, पहले इसका फिट कर लेते, उसके बाद वाल चालू करेंगे। तो
तो दोस्तों जो हमारा प्रॉब्लम था वह तो वाल था जो कि बंद था, थोड़ा कम खुला हुआ था, उसको हमने पूरा खोल दिया है। और दोस्तों बहुत सारे प्लम्बर भाइयों का कमेंट है कि इसका जो यह साइफन है यह कैसे खुलता है, जो कि नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं यह फिक्स पकड़ा हुआ है, तो वो कैसे खुलता है। तो दोस्तों इसको खाली आपको पुश करके उठा के आपको खोल देना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी, इसमें कुछ लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो अभी इसको हम डायरेक्ट पुश करके उठाएंगे। इसी तरह से आपको ऐसे सीधे पुश कर देना है, तो इस तरह से वो निकल आता है, जब आप पुश करेंगे तो वह निकल आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पुश टाइप का सिस्टम रहता है, ये देखिए हमने इसको अब इसको उठा दिया है, तो ये इसके थ्रू आपको बाहर से आपको निकाल के ले लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो साइफन है, साइफन ये वाइसर जो है, साइफन का जो कॉक है ये डायरेक्ट पुश टाइप रहता है। बहुत सारे प्लम्बर भाई इस पे कमेंट करते हैं कि इसमें कुछ लॉकिंग सिस्टम है क्या, किसी किसी में लॉकिंग सिस्टम आता है, किसी किसी में डायरेक्ट पुश टाइप होता है। तो यह जो गैब्रेट का फ्लश टैंक है या पुश सिस्टम से है, तो डायरेक्ट आपको पुश करके उस पर बिठा देना है और पुश करके निकालना है जिस तरह से हमने निकाला था। फिर दोस्तों आप जो प्लम्बर भाई है उन्होंने कमेंट किया उसके वजह से मैं ये आपको बता रहा हूँ, तो इसको सेम वैसे ही पुश करके हम बिठा देंगे। पर इसका जो खांचा है आप सीधा देख के बिठाना है, जिस तरह से आपने निकाला था उसी तरह से आपको इसको फिट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुश करके हमने बिठा दिया है, तो अब इसका जो जो हम बॉल कॉक था उसको भी लगा के ले लेंगे, उसके बाद हम वाल को चालू करके चेक करेंगे। तो जो बॉल कॉक है वो लॉकिंग सिस्टम है, आपको लॉक करके उसको दबा देना है और अब हम वाल को चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वाल को चालू किया है, फ्लश टैंक के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, यह जो वाल है हमने चालू कर दिया, आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये पीछे है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। और अब ये पानी भर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फोर्स से भर रहा है। और दोस्तों ये इसका जो है यह बॉल पॉप है, जो पानी भर जाएगा इस तरह से वो चालू कर देगा, ये जो है ये बॉल पॉप है, ये ऊपर आ जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा टेबल के एकदम। दोस्तों हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा पार्ट लगा के एक बार दिखा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो पानी है इसमें भरना बंद हो गया है, क्योंकि बॉल कॉक जो है अपना बॉल कॉक के लेवल तक पानी आ चुका है इसमें और बॉल कॉक ने पानी बंद कर दिया है। तो दोस्तों बॉल कॉक भी काम कर रहा है, दोस्तों इसका हर एक पार्ट क्लियर है और अब फ्लश टैंक भी फटाक से भर जा रहा है, बहुत जल्द भर रहा है और हमने सब चेक कर लिया, इसका हर एक पार्ट एकदम बराबर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सब पार्ट लगा के ले लेंगे। तो दोस्तों ये गैब्रेट का रिक्वायर था, इसके वजह से मैं ये वीडियो लाया हूँ। बहुत सारे प्लम्बर भाइयों ने कहा था कि गैब्रेट का जो साइफन वाइसर होता है, जो साइफन का सेट होता है, वो कैसे निकलता है, तो मैं आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों, खाली पुश करके उसको निकालना होता है। तो बाकी स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट हम इसको लगा के ले लेंगे जिस तरह से हमने निकाला। तो दोस्तों जो प्लेट खुलता है आपको एक टाइम ऐसे दिखा देता हूँ बाहर से ही, यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, अगर आपको फ्लश टैंक खोलना होगा ये प्लेट फ्लश टैंक का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन दिख रहा है, जब आप इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये जो प्लेट का जो बटन है वो खुल जाएगा, उसके अंदर स्क्रू रहता है इस तरह का, आप खुल के निकाल सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ बटन दबा के ये खुल जाएगा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन दबाया तो ये खुल गया। तो अब हम सबसे पहले इसको हम लगा के ले लेंगे जो प्लेट है, जिस तरह से हमने निकाला तो उस तरह से लगा के ले लेंगे। वो लगाने के बाद इसका जो सिस्टम है पूरा स्क्रू पे है दोस्तों, खांचे में स्क्रू टाइट कर देंगे हम। तो दोनों साइड से दोस्तों इसका स्क्रू हम टाइट करके ले लेंगे। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, दोस्तों आप लोग के लिए मैं वीडियो लाया करता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, ऐसे बहुत सारे मैं प्लम्बिंग के वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा, अपने प्लम्बर भाई के डिमांड पे मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा।
जैसा था जैसा हमने निकाला था उसी तरह से हमने इसको लगा के ले लेंगे। स्क्रू टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद यह प्लेट को ऐसे अंदर साइड में ऐसे पुश कर देना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे पुश कर देंगे तो ये लग जाएगा। और जब आपको प्लेस टैंक खोलना होगा ये प्लेट, तो यहाँ पे आपको ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे नीचे, वो बटन दबा के आप खोलना। भी मैं दबाऊंगा आपको दिखाता हूँ। ये जब ये बटन दबाऊंगा ये देखिए इस तरह से प्लेट फेंक देगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्क्रू खोल के जो भी मेंटेनेंस करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रू दिखाई दे रहा होगा ये साइड में और ये साइड में कोने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लगा के ले लेंगे, इसको ऐसे पुश करके ये बैठ गया। तो दोस्तों पानी अब हम चेक कर लेंगे फ्लश करके इसके अंदर। तो फ्लश करके हम चेक कर लेते हैं। तो फ्लश भी हो रहा है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर से आपसे इस तरह नए वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।